नमस्कार जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरायणी के अथक मेले में की शिरकत। विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। कहा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो पीएम मोदी के कालखंड में। उत्तराखंड में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त। धामी सरकार बनाने जा रही है कड़ा कानून। नकल करने और कराने पर होगी उम्र कैद की सजा का प्रावधान। भूदशाव से तहस नहस हो रहा जोशीमठ। नहीं थम रहा दरारों का दायरा। घरों में लगातार आ रही दरारों से दहशत। उजड़ रहे लोगों के आशियाने। खतरे की जद में आए होटल्स के ध्वस्तीकरण का कार्य तीसरे दिन भी जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे स्थित दो और होटल भूदशाव की वजह से झुके। रोपवे के प्लर में बढ़ाई दरारें। राजधानी देहरादून और हरिद्वार सहित मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट तो मसूरी धनौल्टी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जहां राम पैदा हुए वहां लंबा कालखंड बीत गया पर एक मंदिर नहीं बना। वहां एक भव्य बनना चाहिए था। हम सब ने कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर आज वहां मंदिर निर्माण हो रहा है तो किसी और के कालखंड में नहीं बल्कि हमारे पीएम मोदी के कालखंड में हो रहा है। सूर्य के उत्तरायण में आने से हमारे सब काम शुरू हो जाते हैं। अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। सीधे सीधे हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होने लगता है। सीएम धामी उत्तरायणी कैथिक मेले में विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण पर ये सब बोल रहे थे। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व का दिन है और आज के दिन से भगवान सूर्य के उत्तरायण में आने से हमारे सब काम शुरू हो जाते हैं। अच्छे दिनों की आज से शुरुआत हो जाती है। अच्छे दिन देवताओं के दिन और धीरे धीरे जो सूर्य का प्रकाश है वो हमको सीधे सीधे प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसकी ऊष्मा हमको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। उस ऊष्मा से हम सभी को ऊर्जा प्राप्त हो। काशीपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर काशीपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से नशे की खेप को बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए काशीपुर क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और आला पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नशे के खिलाफ विशेष छापेमार कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद दो अलग अलग स्थानों से नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नशे की बड़ी बीमारी को खत्म करने के लिए काशीपुर में ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। एक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं और इसी के आधार पर उस पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कुल मिला के दोनों अभियुक्तों को और माल के साथ आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें से एक अभियुक्त का अभी आपराधिक इतिहास मिल गया है। ये जसपुर काशीपुर में इसके विरुद्ध 5 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और इस पर हम लोग गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे और इसमें NDPS एक्ट के तहत भी जो संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई होती है वो भी हम इसमें करेंगे और अगर इसके साथ अन्य और व्यक्ति इसमें पाए जाते हैं तो गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई होगी। और फिलहाल इसमें SP काशीपुर महोदय की तरफ से इस टीम को 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। लक्सर के सुल्तानपुर में अज्ञात चोरों ने देर रात अलग अलग दो दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहाँ तक कि अज्ञात चोरों ने दुकान में लगे CCTV कैमरे और DVR तक चोरी कर अपने साथ ले गए। वहीं CEO विवेक कुमार का कहना है कि पुलिस की टीम मौके पर जांच कर रही है। जांच के दौरान जैसे भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऊपर से टीम को तोड़ के लाखों रुपए की चोरी कर ली। चोरों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है।
DVR ले गए, कैमरे उतार के ले गए, महंगे जितने भी कॉस्मेटिक आइटम है वो ले गए। उन्हें कंफर्मेशन थी कि कौन सा आइटम कहाँ रखा है, उसको उन्होंने उठाया। एक चोरी और संज्ञान में आई है, BD सीक्रेट्स को लेके उन्होंने शटर फाड़ा है और वहाँ से 50-60 हज़ार रुपये का सामान चोरी कर लिया। रात को हम तो चले गए थे 8:30 बजे दुकान बंद करके, रात की घटना होगी लगभग 12-1-2 बजे के आसपास। ऊपर से चोरों ने फाड़ दे के नीचे आ गए और सामान ले गए चोरी करके, लगभग 1.5 लाख रुपये नुकसान है। मैं अभी सूचना पे मौके पर टीम मौजूद है और जो भी आगे तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास से जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर खिचड़ी का वितरण किया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी ने भी प्रसाद वितरण में हिस्सा लिया। मकर संक्रांति देश के विभिन्न भागों में अलग अलग उससे मनाई जाती है। कहीं इसको पीहू बोलते हैं, कहीं लोहड़ी के उससे मनाया जाता है, हमारे यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं। और आज के दिन कहा जाता है कि खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाता है। तो आज मैं अपने परिवार के साथ सौभाग्य से आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है और मेरी माता जी का भी जन्मदिन है, तो ये शुभ दिन भी आज है। तो आज इस अवसर पर हमने यहाँ पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा है। वालों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान और पुण्य कमाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही। श्रद्धालुओं में गंगा में स्नान कर मोक्ष पाने और पुण्य कमाने की प्रबल इच्छा दिखाई दे रही है। ऐसे में पुण्य कमाने और सुख समृद्धि के लिए हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। सर, मकर संक्रांति एक्चुअली ये है कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, कहते हैं इस दिन का बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन अपने कई लोगों ने हमारा देह त्याग करके स्वर्ग को गए थे और इसी और एक बेसिकली ये है कि हमारे पूर्वज रेगुलर मनाते आए हैं और हमें उनसे ही इनहेरिट हुआ है और इस चीज को हम आगे ही फॉलो करते रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ पे और मुझे लगता है कि काफी अच्छा व्यवस्था कर रखा है, क्योंकि रेगुलर हमने जैसे हम अपने हरिद्वार से स्टेशन से होते हैं वहां से लेके यहाँ तक का मेरे को जो प्रशासन बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जो भी दान पुण्य करते हैं वो अपने साथ आता है, अच्छा है। जो हमारे पूर्वज है जो करते आए वो ही कर रहे हैं, हम भी उनके साथ। 14 तारीख को ही अंतकाल हो गया था उनका, तो उसके उपलक्ष में हम उनका कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं। तो वही हमारे हिंदू समाज में मतलब ये धर्म में मानते हैं इसको, चल संक्रांत को, तो वो करते हैं। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। नकल करने और कराने पर अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं इससे अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट में उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के लिए उपाय विधेयक अगली कैबिनेट बैठक में लाने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बताया कि कड़ा नकल विरोधी कानून लाने पर सहमति बनी है, जिसे अगली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी।
मकर संक्रांति का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसीलिए ही इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगहों पर इसे खिचड़ी और उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला पंचायत द्वारा आयोजित पौराणिक माघ मेला बाड़ाहाट का धोलू का उद्घाटन क्षेत्र के आराध्य देव कंडार देवता और हरि महाराज के ढोल और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर कलाकारों के द्वारा माघ मेला मंच पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। आपको बता दें कि पिछले 2 साल कोरोना से महामारी के कारण ऐतिहासिक पौराणिक माघ मेले का आयोजन नहीं हुआ था। इस वर्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी के द्वारा भव्य पौराणिक मेले के भव्य रूप दिया गया। ये माघ मेला 14 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाण ने कहा कि इस बार माघ मेले को स्वास्थ्य और स्वरोजगार से जोड़ा गया है। दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य भगवान के प्रवेश करने का पर्व मकर संक्रांति का मनाया जाता है, जहां केरल में इसे पोंगल के रूप में जाना जाता है। वहीं उत्तर भारत में यह पर्व उत्तरायणी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश के उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया। काशीपुर में भी इस मौके पर माँ चामुंडा देवी मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्तरायणी मेला महोत्सव का आयोजन हुआ। माँ चामुंडा देवी मंदिर परिसर में आयोजित उत्तरायणी मकर संक्रांति मेले में हल्द्वानी से आए कलाकारों के साथ स्थानीय विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के कलाकारों के साथ साथ स्कूलों के बच्चों के रंगारंग प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जनवरी 2023 में कोरोना से 2 साल मुक्त होने के बाद हमने उत्तरायणी मकर संक्रांति मंदिर माँ चामुंडा देवी मंदिर परिसर में किया। इस कार्यक्रम में हमने हल्द्वानी की टीम, सांस्कृतिक कार्यक्रम की छोलिया नृत्य बागेश्वर की और हमारे यहाँ बलराम प्रजापति की टीम को उनको निमंत्रण दिया। इसके अलावा हमने 5 स्कूलों को भी जो इसमें कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनको भी निमंत्रण दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कॉलोनी में 5-6 टीमें हैं बच्चों की, वो भी इसमें जो है भाग ले रहे हैं। हम लोग हल्द्वानी से आए हैं और हम उपमा कल्चर आर्ट की तरफ से आए हैं और अब तक हम काफ़ी जगह जगह प्रोग्राम कर चुके हैं, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात। सौभाग्य की बात है और आज सूर्य देव उत्तरायण के में प्रवेश करते हैं और दूसरा क्या है कि हम ऐसे प्रदेश के रहने वाले हैं जहां वास्तव में देवी देवताओं ऋषि मुनियों का प्रदेश रहा है और इस संस्कृति की रक्षा में सारे लोग लगे हैं, सब लोगों की आहुति इसमें पड़ती है और माँ चामुंडा को तो बहुत आशीर्वाद है इस काशीपुर को। सारी जनता वास्तव में चामुंडा की बहुत भगत है और माँ चामुंडा भी सबकी इच्छा की पूर्ति करती है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना, पीएम सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है।
उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त चारों तरफ से खतरे की जद में है। देर रात जोशीमठ के सिंहधार वार्ड संख्या 4 में एक परिवार का आशियाना पूरी तरह से खतरे की जद में आ गया। आपको बता दें कि यहां देर रात से ही मोटी मोटी दरार का आना शुरू हो गया था, जिस कारण अब ये घर कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है। पीड़ित परिवारों ने आशियाना छोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवारों की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी बात तो ये भी है कि जहां पर यह आशियाना क्षतिग्रस्त हुआ है, ठीक उसी जगह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी गुजरता है। जहां ये घर क्षतिग्रस्त हुआ, ठीक उससे कुछ दूरी पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल भी हैं, जिनमें भी मोटी मोटी दरार पड़ चुकी है। अब रेस्टोरेंट और होटल खाली होने लगे हैं। कमरे हैं 11 के 11 मेरे पूरे फटे हुए, जिसमें से कि 8 कमरे तो मेरे पूरे खत्म हो चुके हैं। शासन के द्वारा अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया है, बस ये है कि 50,000 रुपए तो मैं सामान शिफ्टिंग कर 1 लाख रुपए तो मैं जाने का दिया जा रहा। बस पूरा घर ही टूट चुका है और ये दिन प्रतिदिन, ये नहीं कि ये जो DM साहब के वक्तव्य हैं कि भाई जोशीमठ में दरारें आने बंद होंगी। मैंने कल ही यहाँ पे इस जगह पे मैंने एक पत्थर डाला था, आज वो पत्थर नीचे चले गए सारा का सारा। ये जो बिल्कुल हल्की हल्की दरारें थी, बिल्कुल आज ये पूरा आर पार हो गया, पूरा टूट चुका है, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा टूट चुका है। पूरा होटल चले गया है, कुछ दरारें पड़ गई है, 4-5 का स्टाफ है और इनकी तनख्वाह भी निकालनी है। 20 लाख करीब नुकसान है पूरा। नहीं, 10 दिन हो गया, पहले हल्की थी, कल 3 दिन से बहुत बढ़ गई। जोशीमठ से मिल रहे ताजा आंकड़ों के मुताबिक घरों में दरार बढ़ने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन के जारी ताजा आंकड़े में जिन घरों में दरारें पड़ी हैं, उनकी संख्या 782 हो गई है। सरकार की तरफ से जोशीमठ में जांच कर रही 8 विशेषज्ञ टीमों की किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिस पर दलील यह दी जा रही है कि सरकार पहले इस रिपोर्ट के तथ्यों को परखेगी, जिसके बाद ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार जोशीमठ के लिए हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही है। शुक्रवार को हुई धामी कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को मदद देने के जो निर्णय लिए गए थे, उनके आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने लोगों को राहत पहुंचाना शुरू कर दिया है। जोशीमठ से चल रही राहत बचाव कार्य में अब तक 223 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है, जबकि 10 परिवार को SDRF फंड से घर शिफ्ट करने के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। जोशीमठ में जो स्थिति है, उसमें भवनों की संख्या, जिसमें सर्वे चल रहा था, उसमें संख्या 782 हो गई है भवनों जिसमें दरारों का सर्वे हुआ है। जो वार्ड घोषित सुरक्षित घोषित किए गए 4 वार्ड है, कल बताया गया था आपको,
उसमें असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 148 है, जो चार वार्ड है उसमें। जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसके कारण ये डिस्चार्ज वाटर का थोड़ा बढ़ गया है फिर से। इससे एक और हम काइंड ऑफ गेस कर सकते हैं कि शायद सुपरफिशियल है, जो असुरक्षित क्षेत्र से परिवारों को विस्थापित किया गया, हटाया गया है, वो 223 संख्या हो गई है उसकी, और उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 754 हो गई है। बाकी स्थायी रूप से जोशीमठ से औली तक का सफर करीबन 16 किलोमीटर के दायरे में आता है और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी रोपवे चलती है। पर्यटक अधिकांश औली तक रोपवे के सहारे औली का दीदार करते हैं, लेकिन आजकल रोपवे पर्यटकों के लिए बंद हो चुका है। कारण है, रोपवे का पहला नंबर का टावर खतरे की जद में आ चुका है। जहां पर रोपवे का पहले नंबर का टावर है, ठीक उसी जगह के नीचे से जमीन में दरारें आ चुकी हैं, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल रोपवे को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब पर्यटक औली का सफर फिलहाल वाहनों से ही तय करेंगे। रोपवे के आसपास का इलाका कभी पर्यटकों से गुलजार रहा करता था, लेकिन आज यहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के आशियाने तबाह हो रहे हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। पर्यटकों की आवाजाही पर भी यहां रोक लगा दी गई है। आपदाग्रस्त जोशीमठ के डेंजर जोन में भूधसाव के कारण खतरा बने दो होटल मलारी और माउंट व्यू के बहुमंजिला भवन गिराने का काम आज तीसरे दिन रविवार को भी जारी है। होटल्स के ऊपर मंजिल की चौखटें निकाल ली गई हैं। हाईवे पर स्थित दो और होटल भूधसाव की वजह से झुक गए हैं। वहीं हाईवे पर स्थित दो और होटल कामेट लाज और रेस्टोक्रिस्ट भूधसाव के कारण झुक गए हैं और इन होटल्स को खाली कराने का काम शुरू हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ दिन पहले भरी गई दरारें चौड़ी होकर फिर उभर आई है। पिछले दो दिन पूर्व में चमोली जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों के पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी हुई, जिस कारण पहाड़ियां एक बार फिर से बर्फ की चादर से ढक गई। आपको बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में आजकल लगातार ठंड ने दस्तक दे दी है और लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बात करें भगवान बद्रीनाथ विशाल जी के धाम की, तो वहां पर भी दो दिनों तक लगातार बर्फबारी देखने को मिली। वहीं बात करें हेमकुंड साहिब भगवान केदारनाथ धाम की और साथ में विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली की, तो यहाँ भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि दो दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ था, लेकिन आज धूप खिली और स्थानीय लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के जनटीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।